नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले पार्ट में चलते हैं। और मैं हरी सर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, 4.4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है ये, और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें प्रूव करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन तो पहले ही सॉल्व है, तो इसे हम यू क्यों लिखेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों उसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर a माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और मैं बताता हूँ a माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। बच्चों ये नंबर इस यानी a माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होगा ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये नंबर को हम इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। a यानी ये a है तो हम लिखेंगे ए स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस टू ए, ए तो एक्स है, हम अलग अलग लिखे। बी क्या है, माइनस टू है, तो टू लिखेंगे क्योंकि माइनस पहले ही आ चुका है, और प्लस बी स्क्वेयर यानी टू स्क्वेयर, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, आइए इसको आगे करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस टू टू जा फोर माइनस फोर एक्स और प्लस फोर। ठीक है बच्चों, आइए अब हम सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानकारी ले सकें। एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और इधर ये प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो इधर आकर ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल जीरो, इस प्रकार। आइए देखते, ये देखिए माइनस का है, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस हो चुके हैं, थ्री एक्स और फोर एक्स ये सेवन एक्स हो गए हैं, और माइनस प्लस माइनस होते हैं, फोर में से वन को माइनस कर देंगे थ्री आएगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस थ्री आ गया, इक्वल जीरो। अब बच्चों देखा हमने कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमारी आई है, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों ये पार्ट शो हो चुका है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।